नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 5 अक्षरों का महत्व नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्राचीन काल से लेकर अब तक अक्षरों के महत्व को बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेखक कहते हैं कि अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हैं। तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहां बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। धन्यवाद।